और एक राज ये कि कोई भी दुनियावी या उखरवी या दीनी कोई भी ऐसी जरूरत दरपेश हो गई और वह हल नहीं हो पा रही, 1920 पे जाके मामला ख़राब हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि इंसान के कारोबार में भी, तालीम में भी, और दिन के काम में ऐसा हो सकता है, 19 पे जाके गिर जाता, 20 नहीं पहुँचता। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि यही नाम 51 टाइम 51 दफ़ा ही पढ़ना है। और अच्छा, इन ये पहले मैं अर्ज़ कर चुका, इन सब के अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ़ नहीं। दुरूद शरीफ़ दुआ के वक्त आप पढ़ेंगे, शुरू में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, फिर आखिर में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक ये पढ़ा जाता है। तो दरमियान में 51 टाइम आपने इस नाम का वर्द करना है और दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम अटका हुआ है, हल नहीं हो रहा, फ़लाँ चीज़ है वो फंस जाती है, रिश्ता होता नहीं है, फ़लाँ कारोबार बढ़ता नहीं है। तो ये जो भी मकासद है उसकी नियत करके दुआ कर ले, तो 15 दिन करना ये अमल, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। सुभानअल्लाह। स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, या इलाह आलियती, या इलाह आलियती, ए मजाजी और बातिल माबूदों के माबूद बरहक, यानी अल्लाह को पुकार रहा है। अर रफ़ी जलालु हो, उसकी शान बहुत बुलंद है, उसके या इलाहु, ए माबूद बरहक, क्योंकि ये